अम्बाला शहर के पिपली बाजार में नगर निगम की ओर से नोटिस मिलने के बाद तोड़ी जा रही पुरानी बिल्डिंग रात के समय अचानक से पूरी तरह गिर गई। इस दौरान गनीमत यह रही कि इस दौरान उस बिल्डिंग के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था। जानकारी के अनुसार ये बिल्डिंग काफी पुरानी थी। इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया था। इसके बाद इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया जा रहा था। इसी बीच शाम के समय जब मजदूर आधा काम छोड़कर चले गए, तब रात को करीब 9 बजे ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिर गई। बिल्डिंग गिरने से हुई धमाके की आवाज़ सुनकर लोग बाहर आ गए और पुलिस को सूचित किया। मौके पर मौजूद SHO राम कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पिपली बाजार में एक बिल्डिंग गिर गई है, जिसके बाद भी वे मौके पर पहुंचे। राहत की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि काफी पुरानी बिल्डिंग थी ये, जिसे निगम के आदेशों के बाद तोड़ा जा रहा था और अचानक से पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब सुबह मलबा उठाने का काम किया जाएगा। ये पिपली बाजार है, यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है। तो ये ठेकेदार को इसका मलबा निकालने के लिए कह दिया गया। दिन में तो इस पर लेबर लगी हुई थी, लेकिन अभी शाम को तो लेबर नहीं, शाम को चल रही बिल्डिंग मिल गई है और इसका मलबा है जो वो बड़ी मिल गया। बाकी कोई जान माल कोई सूचना नहीं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अम्बाला की पिपली बाजार में ये बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी है और निगम के आदेशों के बाद इसे तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन रात के समय ये बिल्डिंग अचानक से पूरी तरह गिर गई। राहत की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पिपली बाजार अम्बाला सिटी का पास एरिया है, ये पुराना ये बिल्डिंग काम चल रहा है तोड़ने का दिन में, और आज ये जर्जर बिल्डिंग है जो आज थोड़े दिन पहले अभी 10 मिनट पहले गिरी है, और इसमें कोई बंदे का कोई नुकसान, कोई ऐसा कोई बच्चा कोई आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, सब सेफ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं था। जो अभी तक की रिपोर्ट है इसमें कुछ नहीं है, और ये बिल्डिंग थी खस्ता हालत में थी बिल्डिंग, होगी अंदाजा कि होगी जी 70 साल पुरानी तो है ही है, 70 से भी ज़्यादा की पुरानी ज़्यादा ही होगी।